Hey, good morning students. I'm your history and civics teacher Mr. Vaibhav Sir, and today I'm going to explaining you lesson number 2, India before the times of Shivaji Maharaj. Shivaji Maharaj ke samay se pehle ka Bharat. So yah hum lesson aaj padhne wale hai. Without wasting time, let's start our lesson. We shall learn about the various ruling powers in India बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज इन दिस लेसन. इस लेसन में जो शिवाजी महाराज से पहले की जो वेरियस रूलिंग पावर्स थे, मीन्स जो तरह तरह की सत्तारूढ़ शक्तियाँ थी, सत्तारूढ़ पावर्स थे, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले, जो शिवाजी महाराज के समय से पहले थी. वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड. और उस समय में, शिवाजी महाराज के समय से पहले, बहुत सारी पावर्स, बहुत सारी डेंसिटीज एग्जिस्टेड मीन्स मौजूद थी हमारे इंडिया में, हमारे भारत में उस टाइम में थे. सो पाल इन द 8th सेंचुरी वॉज अ फेमस डेंसिटी इन बंगाल. सो बंगाल में ये जो पाल नाम की डेंसिटी है, यह बहुत ही फेमस थी, प्रसिद्ध थी. इन सेंट्रल इंडिया द गुजरात प्रतिहार पावर स्प्रेड अप टू आंध्रा कलिंगा विदर्भ वेस्ट काठेवाड़ कनौज एंड गुजरात. और सेंट्रल इंडिया मीन्स मध्य भारत में गुजरात परिहार. ओके, सो ये जो गुजरात प्रतिहार नाम का जो डेंसिटी था, वह फैला हुआ था जो आंध्रा कलिंगा विदर्भ वेस्ट काठेवाड़ कनौज और गुजरात में. अमोंग द राजपूत डेंसिटीज इन द नॉर्थ इंडिया. और नॉर्थ इंडिया मीन्स उत्तर भारत में राजपूत डेंसिटीज थी. द गढ़वाल एंड द परमार डेंसिटीज वर द इम्पोर्टेंट वंस. सो इन्हीं में से जो गढ़वाल और परमार डेंसिटीज है, डेंसिटी मीन्स राजवंश, सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. अमोंग राजपूत्स पृथ्वीराज चौहान बिलोंगिंग टू द चौहान डेंसिटी वॉज अ वैलियंट किंग. सो ये जो इन्हीं राजवंश में से जो राजपूत डेंसिटी है, राजपूत राजवंश जो है, उसमें से पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान डेंसिटी से, चौहान राजवंश से बिलोंग करते हैं, उनका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. वैलेंट मीन्स ये बहुत ही बहादुर किंग थे. सो बहादुर के लिए उन्हें पहचाना जाता है. इन द फर्स्ट वॉर एट द तराई. सो तराई की जो पहली लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद घोरी. सो इस तराई के पहले लड़ाई में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद घोरी को हराया था. बट मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड वॉर एट तराई. लेकिन फिर बाद में फिर से तराई का सेकंड वॉर हुआ, सेकंड लड़ाई हुई, तो उसमें मोहम्मद घोरी ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया. राजा राज वन एंड राजेंद्र वन बिलोंगिंग टू द चोला डेंसिटी इन तमिलनाडु वर एमिनेंट रूलर्स. एमिनेंट मीन्स जो प्रसिद्ध राज्यकर्ता थे, प्रसिद्ध राजा थे. सो कौन से है, राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम. सो ये किस डेंसिटी से थे, किस राज्य से थे, किस राजवंश से थे, ये चोला राजवंश से थे. ये चोला राजवंश तमिलनाडु में था. ओके, द चोलास कॉन्कर्ड द मालदीव आइलैंड एंड श्रीलंका यूजिंग देयर नॉवल स्ट्रेंथ. सो ये जो चोलास डेंसिटी जो थी, इन्होंने कॉन्कर मीन्स जीता हुआ था मालदीव आइलैंड और श्रीलंका अपने नॉवल स्ट्रेंथ में, मीन्स इनकी जो नौसैनिकों की शक्ति थी, उसके भरोसे इन्होंने मालदीव आइलैंड एंड श्रीलंका आइलैंड जीता था. किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसल डेंसिटी इन कर्नाटका हैड कॉन्कर द होल ऑफ कर्नाटका. सो ये जो किंग विष्णुवर्धन था, जो होयसल डेंसिटी से, होयसल राजवंश से बिलोंग करता था, जो कि कर्नाटक में थी, सो इन्होंने पूरा कर्नाटक जीता हुआ था और पूरे कर्नाटक में इनका ही राजवंश था, इनका ही राज्य था. ड्यूरिंग रेन ऑफ गोविंद थर्ड
ऑफ द राष्ट्रकूट डेंसिटी इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में जो राष्ट्रकूट डेंसिटी थी जिसका राजा जो था वो कौन था, गोविंद तृतीय, गोविंद तीन, ओके उसका ऐसा नाम था। द राष्ट्रकूट पावर स्प्रेड फ्रॉम कनौज अप टू रामेश्वर। तो उसके शासनकाल में वो जब राज्य करता था तब महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट डेंसिटी जो थी, राष्ट्रकूट राजवंश जो था वह कनौज से लेके रामेश्वर तक फैला हुआ था। लेटर कृष्णा थर्ड कॉन्कर द रीजन अप टू अलाहाबाद। सो उसके बाद गोविंद तीन के बाद, तृतीय के बाद कृष्णा तृतीय जो आया उसने क्या किया, अलाहाबाद तक अपना जो राज्य है वो बढ़ाया, अलाहाबाद तक उसने जीत हासिल की। थ्री डेंसिटीज ऑफ द शिलाहार्स एमर्ज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। सो ये तीन जो डेंसिटी है, शिलाहार एमर्ज, एमर्ज मीन्स उभरी, विकसित हुई, इसके इन डेंसिटी में से कौन कौन सी, वन डेंसिटी रूल ओवर ठाणे एंड रायगढ़ इन नॉर्थ कोकण। सो नॉर्थ कोकण जो है उत्तरी कोकण, उस एरिया में ठाणे और रायगढ़ में एक डेंसिटी रूल करती थी, द सेकेंड इन द कोकण, और दूसरा जो था राजवंश वो कोकण में था। वाइल थर्ड डेंसिटी रूल ओवर द सम पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट कोल्हापुर सातारा सांगली एंड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। और बचा हुआ जो डेंसिटी था वह रूल करता था बचे हुए पार्ट्स पे, जिनमें कोल्हापुर सातारा सांगली और बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, ये जो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें आते थे। द लास्ट प्रॉस्परस पावर बिफोर द पीरियड ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ द यादवाज। शिवाजी महाराज का पीरियड आने से पहले जो प्रॉस्परस पावर, प्रॉस्परस मीन्स जो समृद्ध और संपन्न ऐसा शक्ति थी, ऐसी डेंसिटी थी, ऐसा राजवंश था, वह यादवों का था, यादव डेंसिटी। द कैपिटल ऑफ भिल्लम फाइव, सो ये जो भिल्लम फाइव राजा था ऑफ द यादवाज डेंसिटी, जो यादव राजवंश से था, वॉज एट देवगिरी नियर औरंगाबाद। सो उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था, देवगिरी को बनाया था जो औरंगाबाद के पास है। ही एक्सटेंडेड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर कृष्णा। इसने अपनी जो राज्य की सीमाएं जो है एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स उसका विस्तार किया हुआ था, फैलाई हुई थी कहाँ तक, कृष्णा रिवर तक फैलाई हुई थी। दी यादवाज पीरियड इज कंसिडर्ड टू द गोल्डन पीरियड ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो मराठी संस्कृति का और लिटरेचर का मीन्स जो ग्रंथ वगैरह है उसका सुवर्ण युग किसे कहा जाता है, यादव पीरियड को, यादव जो डेंसिटी है उसे कहा जाता है। इट वॉज द पीरियड दैट द महानुभाव पंथ एंड वारकरी मूवमेंट इमर्ज। सो इन्हीं के पीरियड में, इन्हीं के समय में महानुभाव पंथ भी विकसित हुआ और वारकरी मूवमेंट भी इमर्ज हुआ। सो इनका क्या हुआ, विकास हुआ, इमर्ज मीन्स विकसित होना, उद्धार होना, उभरना उनका, किसकी इसमें, यादव के कार्यकाल में। इन्वेंशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, इन्वेंशन मीन्स हमला, आक्रमण, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मीन्स उत्तर पश्चिम से हुए हमले, हम हाँ उत्तर पश्चिम में से हुए आक्रमण। सो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लोकल डेंसिटीज लाइक यादवा एंड राष्ट्रकूट रूल्ड इन महाराष्ट्र। लोकल डेंसिटीज मीन्स जो यहाँ की स्थानिक थी, ऐसे राजवंश थे यादव और राष्ट्रकूट जो महाराष्ट्र में राज्य करते थे। बट इन्वाडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉन्क्वर्ड द लोकल डेंसिटीज देयर एंड इस्टेब्लिश देयर ओन रूल। सो ये जो नॉर्थ वेस्ट से हमले हुए, आक्रमण हुए हमारे भारत के ऊपर उत्तर पश्चिमी दिशा से, सो उन्होंने क्या किया, इन डेंसिटीज़ को, इन स्थानिक राजवंश को हरा कर अपना राज्य जो है यहाँ पे स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया, एंड दे आर रूलिंग इन अ देयर ओन। वो हमारे यहाँ पे क्या करने लगे, खुद ही राज्य करने लगे इन स्थानिक राजवंश को हरा कर। इन द मीन वाइल, इसी के बीच में द अरब पावर हैड एमर्ज इन द मिडल ईस्ट। और इसी के बीच में अरब पावर, अरब जो राजा थे वो भी विकसित होने लगे, वो भी एमर्ज करने लगे इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट मीन्स मध्य पूर्व में, मध्य पूर्वीय एरिया में। अरब रूलर्स टर्न टूवर्ड्स इंडिया टू एक्सपांड देयर
एम्पायर, वो भी अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए हमारे इंडिया की तरफ बढ़ने लगे। द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम, ये जो अरब का, अरब देश का जनरल था मोहम्मद बिन कासिम, अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी। इसने क्या किया, 8th सेंचुरी में हमारे सिंध प्रोविंस, प्रोविंस मीन्स जो प्रांत है सिंध प्रांत, उस पर उसने हमला कर दिया, अटैक कर दिया। नॉट स्टैंडिंग द रेजिस्टेंस ऑफ किंग दहीर, ही कॉन्कर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध। सो ये जो किंग दहीर है, इसने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने सिंध प्रांत को हासिल कर लिया, वहाँ पे कॉन्कर्ड कर लिया, कॉन्कर्ड मीन्स वहाँ पे जीत हासिल कर ली, सिंध प्रांत को जीत लिया उसने। ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब कम्स इनटू पॉलिटिकल कांटेक्ट विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और इस कैंपेन की वजह से, इस योजना की वजह से, इस मुहिम की वजह से क्या हुआ, अरब के और हमारे इंडिया के पॉलिटिकल कांटेक्ट आ गए पहली बार। पॉलिटिकल कांटेक्ट मीन्स राजकीय संबंध जो है हमारे इंडिया के साथ स्थापित हुए। इन द पीरियड दैट फॉलोड, तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एंड इस्टेब्लिश देयर पावर हीयर। और फिर जब ये अरब आए हमारे इंडिया में, इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, इंडिया के ऊपर, तो उनको फॉलो करते करते ही तुर्कस आए, अफगान्स आए एंड मुगल्स ने भी हमारे इंडिया के ऊपर क्या किया, हमला किया, और यहाँ पे आके उन्होंने अपने जो पावर है, अपनी जो रूलर्स है, वह इस्टेब्लिश किए, अपने राज्य, अपनी किंगडम उन्होंने इस्टेब्लिश किए हमारे इंडिया में। इन द 11th सेंचुरी द तुर्कास बिगेन टू इन्वॉन्व इंडिया। सो 11th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, तुर्कास ने हमारे इंडिया के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। एक्सपांडिंग देयर टेरिटरीज, दे रीच्ड द नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज फॉरटिनर ऑफ इंडिया। एक्सपांडिंग देयर टेरिटरीज मीन्स उनके सीमाओं का विस्तार करते हुए, उनके क्षेत्र के जो विस्तार करते हुए, दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फॉरटिनर, जो हमारी नॉर्थ वेस्टर्न फॉरटिनर है, हमारी फॉरटिनर मीन्स सरहद, हमारे इंडिया की जो सीमा है नॉर्थ वेस्ट की, वहाँ तक वह पहुँच गए तुर्कस। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वाडेड इंडिया मेनी टाइम्स। सो ये जो सुल्तान महमूद गजनी है, ये इतिहास में आपको बार बार इसका नाम सुनने को मिलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इसने क्या किया, मोहम्मद गजनी ने हमारे इंडिया के ऊपर बहुत बार आक्रमण किए। ही प्लंडर्ड द रिच टेम्पल एट मथुरा, वृंदावन, कनौज एंड सोमनाथ एंड कैरिड अवे एनॉर्मस वेल्थ विथ हिम। ही प्लंडर्ड, प्लंडर्ड मीन्स इसने लूटे हमारे इंडिया के, द रिच टेम्पल्स मीन्स जो हमारे इंडिया में अमीर टेम्पल थे, वह उसने लूटे मोहम्मद गजनी ने। उसमें मथुरा का टेम्पल था, वृंदावन का टेम्पल था, कनौज एंड सोमनाथ। सोमनाथ का ये जो मंदिर है, ये तो हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत सारी संपत्ति मोहम्मद गजनी ने लूट के लेके गया था। वो कैरिड अवे इनॉर्मस वेल्थ, इनॉर्मस मीन्स वेल्थ मीन्स जो अगणित थी, विशाल, ऐसी संपत्ति वह लूट के लेके गया था अपने इंडिया से। द वर्ल्ड फेमस एनरिच लाइब्रेरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बर्न डाउन बाय बख्तियार खिलजी। सो वर्ल्ड की जो फेमस एनरिच लाइब्रेरी, एनरिच लाइब्रेरी मीन्स जो सबसे समृद्ध पुस्तकालय था नालंदा यूनिवर्सिटी, वहाँ का पूरा यूनिवर्सिटी ये बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, जला डाला था। सल्तनत इन द नॉर्थ मीन्स उत्तरी सल्तनत, अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले। इन 1175 एंड 1178 सल्तनत मोहम्मद गौरी ऑफ गुर फ्रॉम अफगानिस्तान इन्वाडेड इंडिया। सो ये जो मोहम्मद गौरी था, जो गुर प्रांत से आया था अफगानिस्तान के, इसने हमारे इंडिया के ऊपर हमला कर दिया। कब, 1175 कॉमन एरा में, और 1178 में, ये अफगानिस्तान के गुर प्रांत से आया था, गुर प्रांत से आया था, जिसका नाम मोहम्मद गोरी था। ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह इसका गुलाम था। सो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट किया हुआ था, नियुक्त किया हुआ था, टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द
कॉन्कर टेरिटरीज इन इंडिया। सो उसने ये जो इंडिया में जो टेरिटरीज जो क्षेत्र जीता हुआ था उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए, उनका गवर्नेंस मीन्स उसका राज्य कारभार चलाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, जब मोहम्मद गोरी मर गया तो उसके डेथ के बाद क्या हुआ, इन 1206 CE कॉमन एरा 1206 में ऐबक बिगैन टू रूल द इंडियन टेरिटरीज अंडर हिज रूल। जब मोहम्मद गोरी मर गया 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को यहाँ इंडिया का, इंडिया के जो क्षेत्र उसने जीते हुए थे मोहम्मद गोरी ने, उसका राजा खुद को डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंटली। वह खुद ही स्वतंत्रता से अभी उनका राजा बन गया था। ऐबक हु वॉज इनिशियली अ स्लेव, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह स्लेव था, गुलाम था, किसका, मोहम्मद गोरी का, बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली का राजा बन गया। ही डाइड इन 1210, सो वह 1210 में मर गया, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। सो स्टूडेंट्स, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह स्लेव था, गुलाम था, तो इसने गुलाम डेंसिटी इस्टेब्लिश की थी। ओके सो इसके कुछ वंशज थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक मरने के बाद कौन कौन राजा बने, यहाँ पे दिया हुआ है। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुमिश, इल्तुमिश गद्दी पे बैठा। आफ्टर दैट रजिया सुल्ताना, यह हमारे इंडिया की पहली ऐसी सुल्तान है, महिला सुल्तान है जो गद्दी पे बैठी थी। आफ्टर दैट बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी एंड द अदर सुल्तान्स रूल्ड ओवर इंडिया। इतने सारे रूलर ने भी हमारे इंडिया के ऊपर राज किया आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक। इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट सुल्तान। सो हम यहाँ गुलाम सल्तनत का जो सल्तनत थी उसका लास्ट सुल्तान जो था वह इब्राहिम लोदी था। ही मेड मेनी एनिमीज बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलर टेम्परमेंट। सो उसने बहुत सारे अपने दुश्मन बना लिए थे, क्यों बना लिए थे, बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलर, पेक्यूलर मीन्स उसका जो अजीबो गरीब टेम्परमेंट, टेम्परमेंट मीन्स उसका स्वभाव, जो अजीबो गरीब स्वभाव था उस वजह से उसने बहुत सारे अपने दुश्मन बना लिए थे। दौलत खान लोधी गवर्नर ऑफ पंजाब, ये दौलत खान लोधी जो था यह पंजाब का गवर्नर था उस टाइम, इनवाइटेड बाबर, उसने बाबर को क्या किया, हमारे इंडिया में बुलाया, किसने, दौलत खान लोधी ने, क्यों, द रूलर ऑफ काबुल टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। सो जो हमारा रूलर था काबुल का बाबर, उसको इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये दौलत खान लोधी ने बुलाया था, इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए। बाबर डिफिटेड इब्राहिम लोधी, और जैसे उसने बुलाया ही था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए दौलत खान लोधी ने, सो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा भी दिया इन द बैटल, लड़ाई में। एंड दस द सुल्तान्स सल्तनत केम टू एन एंड, और तभी इब्राहिम लोधी के हारने के बाद ही ये जो सल्तनत है ये क्या हो गई, ख़त्म हो गई यहाँ पे। द किंगडम ऑफ विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य। सो इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो ये विजयनगर साम्राज्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग रीन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली, ये मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ था उस टाइम क्या हुआ, देर वर मेनी रिवोल्ट्स इन साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। सो दिल्ली जो नॉर्थ में है उसके अगेंस्ट साउथ में बहुत सारे ऐसे पावर जो थी, बहुत सारी शक्तियाँ जो थी, रिवोल्ट, रिवोल्ट मीन्स विद्रोह कर रही थी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की योजना बना रहे थे। फ्रॉम दिस रिवोल्ट अरोज द फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहामनी किंगडम्स। सो इसी विद्रोह से विजयनगर और बहामनी राज्य जो है इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का, ये दो भाई है हरिहर और बुक्का, फ्रॉम साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया से है, दक्षिण भारत से है, वर सरदार्स इन द सर्विस ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत के दो सरदार थे हरिहर और बुक्का, ये दो भाई है।
taking advantage of the instability in the south during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब इंडिया पे सल्तनत काल चल रहा था, तब राज कर रहा था, उस टाइम ये जो दो सरदार थे, दो भाई हरिहर और बुक्का, इन्होंने एडवांटेज उठाया, फ़ायदा उठाया और क्या किया, दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन द साउथ। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया दक्षिण में इन 1336 CE, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हम्पी इन टुडेज कर्नाटका वॉज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम, और इस साम्राज्य की राजधानी उन्होंने हम्पी को घोषित किया, हम्पी नाम का शहर है। हरिहर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर, और इस विजयनगर का सबसे पहला राजा कौन कहलाता है, हरिहर। हरिहर वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक्का, और हरिहर ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने में क्यों सफल हुआ, सक्सीडेड में सफल होना, अपने भाई की वजह से, उसका भाई का नाम था बुक्का, बुक्का की वजह से वह सफल हुआ। बुक्का ब्रॉड द रीजन अप टू रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल, बुक्का ने अपने कंट्रोल में रामेश्वर तक उसने रीजन बढ़ाया, अपना क्षेत्र बढ़ाया, अपने विजयनगर का साम्राज्य बढ़ाया। नाउ कृष्णदेव राय, ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509 CE। सो कृष्णदेव राय असेंडेड, असेंडेड मीन्स इन्होंने चढ़ाया, थ्रोन जो सिंहासन था उसके ऊपर ये बैठे, गद्दी संभाली विजयनगर की इन 1509 में ये विजयनगर के गद्दी पे बैठे थे। ही कॉन्कर्ड विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री, इन्होंने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री जीत लिया, कॉन्कर्ड मीन्स जीता, एंड एनेक्स द रीजन्स टू हिज किंगडम, एनेक्स मीन्स जोड़ लिया, संलग्नित कर लिया उसको अपने राज्य के साथ। ही डिफिटेड द कम्बाइंड फोर्सेस ऑफ द आर्मीज ऑफ द सुल्तान्स, सुल्तान की जो कम्बाइंड आर्मी फोर्स थी, कम्बाइंड मीन्स जो संयुक्त आर्मी थी, उनको इन कृष्णदेव राय ने उस आर्मी को क्या किया, हराया। हु हैड यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ द बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह, जो संलग्नित सेना थी उनको क्या किया, ये कृष्णदेव राय ने हराया, जो संलग्नित थी बहामनी राजा जो था सुल्तान मोहम्मद शाह के अंडर, उसके लीडरशिप में, उसके नेतृत्व में। ड्यूरिंग कृष्णदेव राय's रीजन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक इन द ईस्ट अप टू गोवा इन द वेस्ट। सो कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य को कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, ये विजयनगर साम्राज्य, इन्होंने कटक इन द ईस्ट, पूर्व में कटक तक फैला हुआ था, अप टू गोवा इन द वेस्ट, और पश्चिम में गोवा तक यह विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। एंड फ्रॉम द रायचरडोब इन द नॉर्थ, नॉर्थ में रायचरडोब तक फैला हुआ था, अप टू द इंडियन ओशन इन द साउथ, और दक्षिण में इंडियन ओशन, हिंद महासागर तक यह विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। ही डाइड इन 1530 CE, वह ये जो कृष्णदेव राय राजा है, यह 1530 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कृष्णदेव राय वॉज अ स्कॉलर, स्कॉलर मीन्स वह बहुत ही विद्वान थे, पंडित थे। ही रोट अमुक्तमाल्यदा अ तेलुगु कंपेंडियम ऑन पॉलिटी। सो ये जो अमुक्तमाल्यदा नाम का ग्रंथ है, संयुक्त संग्रह जिसे कहते हैं, जो पॉलिटी से, राजनीति से डिपेंड है, वह लिखा हुआ है उन्होंने, क्या नाम है उसका, अमुक्तमाल्यदा। द हजार राम टेम्पल एंड विट्ठल टेम्पल वर बिल्ट इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीन। सो ये जो हजार राम टेम्पल है और विट्ठल टेम्पल जो है हमारे पंडरपुर का, यह विजयनगर में किसने बनाया है, विजयनगर साम्राज्य के अंडर ही कृष्णदेव राय ने बनाया हुआ है। द डिक्लिन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगैन विथ डेथ ऑफ कृष्णदेव राय, और जैसे ही कृष्णदेव राय जी की डेथ हुई, तो ये जो विजयनगर किंगडम था, विजयनगर साम्राज्य था, ये क्या हो गया, होने लगा, डिक्लेन होने लगा, डिक्लेन मीन्स पतन होने लगा, कम होने लगा इसका, इन 1565 एट तालीकोट इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका देर वॉज अ बैटल बिटवीन आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही,
बरीदशाही वन साइड एंड विजयनगर ऑन द अदर साइड। सो ये जो बैटल हुआ कहाँ पे, तालीकोट, कब, 1565 में। उस लड़ाई में, उस बैटल में कर्नाटका के ये जो आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही एक तरफ थे और विजयनगर का साम्राज्य दूसरी तरफ था। विजयनगर वॉज डिफीटेड। इस बड़ी लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया, हार गया। देयर आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड। और इस लड़ाई के साथ ही क्या हुआ, विजयनगर का साम्राज्य कम होने लगा, उसका एंड होने लगा, प्रभाव प्रबलता कम होने लगी विजयनगर साम्राज्य की। द बहामनी किंगडम, अभी हम बहामनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वॉज स्टिल रीनिंग सम ऑफ सरदार्स इन द डेक्कन रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट हिम। सो वाइल मोहम्मद बिन तुगलक स्टिल रीनिंग मीन्स वह जब शासन कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, सम ऑफ हिज सरदार, उसके जो कुछ सरदार थे इन द डेक्कन रोज, जो डेक्कन रोज में थे, इन रेबेलियन, तो वो क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। रिबेलियन मीन्स विद्रोह हो गए, विद्रोही हो गए अगेंस्ट हिम, उसी के खिलाफ, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। द लीडर ऑफ दिस सरदार्स, इनका, इन सरदार्स का जो लीडर था, जो नेता था, हसन गंगू, क्या नाम था उसका, हसन गंगू, डिफिटेड द आर्मी ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली। सो वह क्या हो गया, उसने हराया किसको, दिल्ली सल्तनत की आर्मी को। अ न्यू किंगडम नोन एज द बहामनी किंगडम। और फिर दिल्ली सल्तनत को हराने के बाद, उस आर्मी को हराने के बाद, बहामनी साम्राज्य स्थापित हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, जिसका फाउंडर जो है वह कौन है, हसन गंगू। बहामनी किंगडम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1347 CE। और 1347 में इस लड़ाई के बाद बहामनी किंगडम हसन गंगू ने इस्टेब्लिश किया। हसन गंगू बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ बहामनी किंगडम। और इस बहामनी किंगडम का पहला राजा कौन था, ये हसन गंगू। ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा इन कर्नाटका हिज कैपिटल। और उसने इस बहामनी किंगडम की, बहामनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा को घोषित किया। गुलबर्गा नाम का शहर है। नाउ नेक्स्ट इज मोहम्मद गवान। मोहम्मद गवान के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मोहम्मद गवान वॉज द चीफ वजीर ऑफ बहामनी किंगडम। सो ये जो मोहम्मद गवान था, यह बहामनी किंगडम का, बहामनी साम्राज्य का चीफ वजीर था, मुख्य वजीर था। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वह एक अच्छा प्रशासक था। ही स्ट्रेंथन्ड द बहामनी किंगडम, इसने बहामनी साम्राज्य को क्या किया, मजबूत बनाया। स्ट्रेंथन्ड मीन्स मजबूत किया। ही स्टार्टेड प्लेइंग द सोल्जर्स सॉरी ही स्टार्टेड पेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरी इन कैश इंस्टेड ऑफ दो लैंड ग्रांट्स। सो पुराने ज़माने में सैनिकों को जमीन दान दी जाती थी, जमीन दे दी जाती थी सैलरी के रूप में, लेकिन ये जो मोहम्मद गवान है, इसने पहली बार सैनिकों को, सोल्जर को सैलरी कैश के रूप में, पैसे के रूप में देना स्टार्ट कर दिया, और लैंड जो ग्रांट करते थे वह बंद कर दिया। ही ब्रॉट डिसिप्लिन इन द आर्मी, उसने आर्मी में, उनके जो सैन्य था उसमें अनुशासन स्थापित किया, अनुशासन लाया। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सो उसने बहुत सारे भू राजस्व, और जिसे कहते हैं हम महसूल, जो होती है महसूल पद्धति, उसमें बहुत सारे सुधार लाए, जो सुधार इंट्रोड्यूस किए। ही ओपन अ मदरसा एट बीदर, उसने मदरसा ओपन किया बीदर में, फॉर अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीज़, अरेबिक और पर्शियन सीखने के लिए उसने मदरसा भी खोला, कहाँ पे, बीदर में। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गवान, मोहम्मद गवान मरने के बाद क्या हुआ, फैक्शनिज्म इंक्रीज अमॉन्ग द बहामनी सरदार्स। फैक्शनिज्म मीन्स गुटबाजी, गुटबाजी करना स्टार्ट हो गया। द कॉन्फ्लिक्ट विथ विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द बहामनी किंगडम। सो बहामनी किंगडम में क्या होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष होने लगे विजयनगर किंगडम के साथ। द एडवर्स परिणाम ऑफ द बहामनी किंगडम, उसके परिणाम जो है बहामनी किंगडम को भी देखने पड़े, भुगतने पड़े। द प्रोविंशियल गवर्नेंस बिगैन टू एक्ट मोर इंडिपेंडेंटली, जो
प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मीन्स जो प्रांतिक गवर्नर थे वह क्या करने लगे, स्वतंत्रता से बिहेव करने लगे, वह अब स्वतंत्र हो गए थे। दिस लीड टू द डिस इंटेग्रेशन ऑफ द बहामनी किंगडम इंटू फाइव स्मॉल पावर्स, और इन डिस इंटीग्रेशन की वजह से, डिस इंटीग्रेशन मीन्स विघटन हो गया बहामनी साम्राज्य का, फाइव स्मॉल पावर, पांच छोटे छोटे शक्तियों में उसका विभाजन हो गया। तो कौन कौन से वो पांच पावर्स, इमादशी ऑफ वरहद, बरीदाशी ऑफ बीदर, सॉरी इमादशाही ऑफ वरहद, बरीदशाही ऑफ बीदर, आदिलशाही ऑफ बीजापुर, निजामशाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुबशाही ऑफ गोलकोंडा। सो इन पांच छोटे छोटे पावर्स में बहमनी किंगडम का क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। आफ्टर दैट मुगल पावर, मुगल शक्तियाँ, वह हम पढ़ेंगे। इन 1526 द सल्तनत ऑफ दिल्ली केम टू एन एंड, 1526 में दिल्ली सल्तनत जो है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। मुगल पावर वॉज इस्टेब्लिश देयर, और वहाँ पे दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद मुगल एम्पायर खड़ा हो गया, मुगल पावर जो है इस्टेब्लिश हो गई। सो मुगल एम्पायर का सबसे पहला राजा था बाबर। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर, मुगल एम्पायर का फाउंडर, जिसने मुगल एम्पायर स्थापित किया था वह कौन था, बाबर था। ही वॉज द किंग ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया, वह सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का फरगना था, राजा था सेंट्रल मध्य एशिया में, जो फरगना है वहाँ का वह राजा था। इन टुडेज़ उज़्बेकिस्तान, सो ये आज कहाँ पे आता है, फरगना, वह उज़्बेकिस्तान में आता है। ही हैड हर्ड ऑफ द वेल्थ इन इंडिया, उसने इंडिया की जो संपत्ति थी, श्रीमंती थी, अमीरी थी, उसके बारे में सुना हुआ था। सो ही प्लान एन इन्वेंशन ऑफ इंडिया, सो उसने हमारे इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर आक्रमण करने का सोच लिया, प्लान बनाया। यह बाबर जब इंडिया में आया, दैट टाइम द रीजनिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वॉज इब्राहिम लोदी, उस टाइम दिल्ली में जो दिल्ली सल्तनत था उसका राजा जो था, उसका शासनकर्ता जो था वह इब्राहिम लोदी था। दौलत खान लोदी वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब, और दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था। इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी, बोथ आर द डिफरेंट, ओके, अंडर द सल्तनत, और इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर यह दौलत खान लोदी क्या था, पंजाब का गवर्नर था। द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड दौलत खान लोदी वॉज स्ट्रेन, सो ये जो दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस थे, जो संबंध थे, वो कैसे थे, स्ट्रेन थे, मीन्स तनावपूर्ण थे। दौलत खान लोदी इन्वाइटेड बाबर, दौलत खान लोदी ने ही बाबर को इंडिया में बुलाया टू मार्च ऑन इंडिया, इंडिया में आने के लिए ही दौलत खान लोदी ने ही बाबर को इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, और इसी संधि का फायदा लेते हुए बाबर इन्वाडेड इंडिया, और बाबर ने हमारे भारत के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। टू रिपल बाबर्स इन्वर्शन, बाबर का जो यह हमला था उसको प्रत्युत्तर देने के लिए इब्राहिम लोदी स्टार्टेड विथ हिज आर्मी, इब्राहिम लोदी अपनी आर्मी के साथ, अपने सैन्य के साथ उसको रोकने के लिए चल पड़ा। देर वॉज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में वहाँ पे क्या हो गया, लड़ाई हो गई। ऑन 21 अप्रैल 1526 एट पानीपत, बाबर और इब्राहिम लोदी जी की, इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई 21 अप्रैल 1526 में, जो पानीपत में हुई, पानीपत नाम का शहर है हरियाणा और पंजाब की बॉर्डर पे। इन दिस बैटल बाबर मेड यूज़ ऑफ एन आर्टिलरी इफेक्टिवली फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सो बाबर ने इस पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में आर्टिलरी, आर्टिलरी मीन्स जो तोपे होती है, वह फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज़ की थी, सॉरी। ही डिफिटेड इब्राहिम लोदीज आर्मी, और उसने इन तोपों के भरोसे से इब्राहिम लोदी की आर्मी को क्या किया, हराया था। दिस इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इसी लड़ाई को पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है, जो 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में।
आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के लड़ाई के बाद राणा संगा ऑफ मेवाड़ ब्रॉट ऑल राजपूत किंग्स टुगेदर। सो राणा संगा ने जो बाकी के मेवाड़ के राजा थे, राजपूत थे, उनको क्या किया, इकट्ठा किया। देर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा संगा एट कनौ खानवा, सॉरी। सो बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ाई हुई, बैटल हुई कहाँ पे, खानवा में। बाबर्स आर्टिलरी एंड रिजर्व फोर्स प्ले अ की रोल इन दिस बैटल। सो बाबर की जो आर्टिलरी थी, जो तोपे थी, वह और रिजर्व फोर्स, उसकी जो सैन्य था, उसका जो संरक्षित सैन्य था, इस लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था उस उनका। एंड राणा संगाज आर्मी वॉज डिफिटेड। और इन सब की वजह से राणा संगा की आर्मी जो है, राणा संगा का जो सैन्य है, वह क्या हो गया, हार गया। बाबर डाइड इन 1530 CE, और इस बाबर की मृत्यु कब हुई, 1530 में। आफ्टर बाबर, बाबर के बाद भी बहुत सारे उसके वंशज हमारे इंडिया में राज्य करते गए, वह भी हम देखेंगे। आफ्टर बाबर, बाबर के बाद उसका बेटा आया हुमायूं, फ्रॉम 1530 to 1539, जिसने 1530 से लेके 1539 तक हमारे इंडिया पे राज किया। एंड फ्रॉम 1555 to 1556, और बीच में इसको कुछ हार का भी सामना करना पड़ा, इसलिए राज्य छोड़ना पड़ा उसको। फिर बाद में 1555 में इसने फिर से हमारे इंडिया के ऊपर हुकूमत की। सो फिर लास्ट में 1556 तक एसेंडेड द थ्रोन, यह गद्दी पे बैठा हुआ था। ही वॉज डिफिटेड बाय शेर शाह, इसको शेर शाह सूरी ने हराया था। ये जो 1530 से 1539, और यहाँ पे जो गैप दिया है 1539 से 1555 में, सो ये शेर शाह सूरी ने इसको हराया था। शेर शाह इस्टेब्लिश द सूर डेंसिटी ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। सो शेर शाह ने हुमायूं को हरा के सूर डेंसिटी, सूर राजवंश जो है, स्थापित किया था दिल्ली में। आफ्टर हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं के बाद अकबर राजगद्दी पे बैठा 1556 to 1605 CE। सो 1556 से लेके 1605 तक अकबर ने राजगद्दी संभाली, एसेंडेड द थ्रोन, वहाँ सिंहासन पे बैठा था। देर वॉज अ बैटल बिटवीन अकबर एंड हेमू एट पानीपत इन 1556। हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई हुई पानीपत में, जो 1556 में हुई थी। दिस इज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और यह पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में, और ये अकबर और हेमू की लड़ाई हुई थी पानीपत में 1556 में। अकबर्स एम्बिशन वॉज अ ब्रिंग द होल ऑफ इंडिया अंडर हिज वन सेंट्रल अथॉरिटी। अकबर चाहता था कि पूरे इंडिया पे उसका साम्राज्य हो, वही उसका राजा हो इंडिया का। आफ्टर अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर ने गद्दी संभाली, सिंहासन संभाला फ्रॉम 1605 to 1628 CE। ओके, बिकम द एम्परर, इसने राज गद्दी संभाली राजा बन के। ड्यूरिंग हिज रीन हिज वाइफ नूर जहाँ प्लेड एन एक्टिव रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और यह जब गद्दी पे बैठा था, शासन कर रहा था, तब इसकी जो वाइफ है नूर जहाँ, इसने भी महत्वपूर्ण रोल निभाया प्रशासन को अच्छे से हैंडल करने में। जहांगीर वॉज फॉलोड बाय शाहजहान, जहांगीर के बाद शाहजहान जो है वह गद्दी पे बैठ गया 1628 to 1658 एज द एम्परर। और शाहजहां राजा बन गया 1628 से 1658 तक। द नेक्स्ट एम्परर आफ्टर शाहजहां औरंगजेब, औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने गद्दी संभाली 1658 to 1707 CE, रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इसने बहुत ही लंबा शासन चलाया, बहुत ही लंबा शासनकाल है इसका। आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर बिकेम वीक, और औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर है वह क्या हो गया, वीक हो गया, अशक्त हो गया, सॉरी अशक्त मीन्स यहाँ पे अशक्त नहीं कहेंगे, कमज़ोर हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी।
सो इन मुगल डायनेस्टी से, मुगल राजवंश से अकबर जो है वह सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राजा था। व्हेन ही ट्राइड टू ब्रिंग इंडिया अंडर हिज सेंट्रल अथॉरिटी, जब उसने सोचा था कि इंडिया उसके खुद के अंडर में हो, ही हैड टू फेस अपोजिशंस, उसने बहुत सारे अपोजिशंस जो थे उसके दुश्मन को भी फेस किया था, उसके विरोधियों को फेस किया था। सो उनमें महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती स्ट्रगल अगेंस्ट हिम। सो अकबर के खिलाफ इन राजाओं ने भी लड़ाई लड़ी, जिनमें महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती, इनका भी नाम आता है। द स्ट्रगल इज नॉट वर्दी, सो दिस स्ट्रगल, सॉरी देयर स्ट्रगल इज नॉट वर्दी, मीन्स उनका भी जो लड़ाई है, उनका भी स्ट्रगल जो है वह ध्यान देने लायक है इतिहास में। सो इनके बारे में अभी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप, चांद बीबी, रानी दुर्गावती के बारे में। ठीक है, सो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।